अस्सलाम वालेकुम। फाइनली पहला ट्रक अनलोड होने के बाद पहली जो अपडेट, जानवर ने रिलैक्स कर लिया है। दिखाने आएंगे कौन कौन से जानवर आए। कल के जो ट्रॉला आया उसमें 30 जानवर आए। आपको ये भी बताएंगे कि कितनी ख्वारी और कितनी मुशक्कत के बाद हम इस मंडी तक पहुंचे। आपको रास्ता समझाने की सबसे पहले तो बताएं, अगर आपको इजीली मंडी तक एक्सेस करनी है ना, तो सबसे पहले इस बिल्डिंग को ढूंढ लें, आई लव चाइल्ड को ढूंढ लें। फिर उसके बाद जो आपको फर्क नजर आएगा ना मंडी का, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर बिल्कुल फ्रंट पे ही जानवर हैं, इस तरफ सब जरा इस तरफ दिखाएं, ये जानवर है। चले देखें, सब जरा अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे और बताएंगे कि रास्ते की कितनी मुशक्कत है। आप अगर औरंगी टाउन से आ रहे हैं तो आपको कितने मसले मसाइल होंगे आने में, और अगर आप दूसरी साइड से आ रहे हो कराची की अदर साइड से, तो वहां से भी क्या प्रॉब्लम है। लोग आए में उनसे ही बात करेंगे कि कहां से आए और किस तरीके से पहुंचे। चले जानवर भी दिखाते हैं। चले देखें माशाल्लाह से जानवरों पर आपको स्टार्ट दिखाते हैं। माशाल्लाह से कल ही आया था ट्रॉला, इसमें 30 जानवर आए थे। देखें माशाल्लाह से हमें देख के खड़ा हो गया, माशाल्लाह क्या ब्यूटी है। हर साल की तरह इस साल भी रफाकत भाई सबसे पहला ट्रॉला लेकर आए। वो तो जो कराची का ट्रक आया था जिसमें 5 जानवर थे, वो तो एक अलग बात थी। माशाल्लाह सारी ब्यूटी लेकर आए हैं और कस्टमर भी नज़र आ रहे हैं, लोग जानवर खरीदने में इंटरेस्ट ले रहे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह हैवी ब्यूटी। अब जानवर कल के बाद से थोड़ा रिलैक्स हुए हैं तो नज़र आ रहे हैं, इनकी ब्यूटी नज़र आ रही है। माशाल्लाह बहुत हैवी बैठे माशाल्लाह। अच्छा देखें, इन पे भी ना थोड़ी सी गंदगी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा डस्ट में हैं ये। माशाल्लाह ये लाल नुकरा, माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। माशाल्लाह आइस चेक करें ज़रा इसकी, माशाल्लाह देखें बैठे हुए में आपको पता चल रहा होगा इसका वजूद कितना हैवी है। आगे चलते हैं टेंट के अंदर, यहाँ पे भी बहुत हैवी हैवी ब्यूटी आई हुई है और छोटे जानवर भी आए हुए। ये देखें पहले तो वहाँ चलेंगे, शायद माशाल्लाह से सौदा हो रहा, मंडी का पहला सौदा। ये देखें माशाल्लाह 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 बहुत। ये देखें पूरे कैमरे में नहीं आ रहा है माशाल्लाह से इसकी जिसामत, इसकी हाइट, ओहो ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता। ओहो देखिए देखिए पानी पिला रहे हैं। अगर आप इसकी कमर देखें और इसकी दुम चेक करें माशाल्लाह। प्राइस अभी इन्होंने खोले नहीं ना, यही बता रहे हैं। ये देखें यार एक मिनट वीडियो, ये देखें जरा परेशान हो रहा है भाई। बना ले आप बना ले। ये जब नहाएंगे तब इनका कलर नजर आएगा। अच्छा परेशान हो रहा है लोगों की वजह से। माशाल्लाह और आपको दिखाते हैं जरा, लोग भी आए हैं। छोटे जानवरों में ब्यूटी आई हुई है। अच्छा भी इन्होंने अभी तक ना रेट नहीं खुले, ना ही ये रेट बता रहे हैं, बस अभी जानवरों को देख रहे हैं। अगर जितने भी जानवर देखे हैं, ये देखें माशाल्लाह से ब्यूटी, टाइगर प्रिंट में, चीता प्रिंट, माशाल्लाह ये चीज देखें, आइस देखें माशाल्लाह से। अच्छा ये जो कल जो ट्रॉला आया था ये उसके जानवर हैं। इस ट्रॉले में 30 जानवर आए थे और माशाल्लाह से सारे स्मॉल कैटेगरी में भी, पर जो कैटेगरी है ना इनके पास ब्यूटी है, आपको बता देनी। देखें आप इधर इस जानवर का खूबसूरती देखें, तकरीबन 4 मन का ये जानवर है। अगर जब ये रेट मांगेंगे ना तो 5 लाख 6 लाख से कम इनकी ये डिमांड करेंगे नहीं, पर खैर वो जब आते हैं शुरू में तो वो अपनी डिमांड करते हैं, नैरेटिव खड़ा करते हैं। अब हमको बताना चाहते हैं कि भाई इस रेट में जानवर मिलेंगे। और यहाँ पे देखें, अच्छा देखें इस ट्रक की जो खास बात है ना, तकरीबन गुलाबी नस्ल आई हुई है बछड़ों में। इसकी आंखें चेक करें माशाल्लाह से, ये माशाल्लाह बहुत आला चीज़ आई हुई है। अगर किसी भी जानवर को देख लेना तो बहुत बेहतरीन बेटी आई हुई है। ये देखें हाँ लड़के लेने आए या सिर्फ अभी विजिट करने आए हो? तो कहाँ से आए हो, कैसा लगा रास्ता? सही है, आसानी से पहुंच गए? ठीक है माशाल्लाह। देखें वो दिखा रहे हैं ब्यूटी। अच्छा जो व्यापारी ना किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ना ही अभी किसी को रेट बता रहे हैं, ना ही किसी को जानवरों की डिटेल्स दे रहे हैं, बस जानवरों की खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। डायरेक्ट अभी मेरा प्रैंक बन जाता है इस जानवर से। परेशान हुए मैं जानवर जो आते, जब इतना लंबे सफ़र से आता है तो जानवर परेशान हो जाता है।
अच्छा देखिए जरा इस जानवर पे ना एक चीज दिखी, ये क्या है? मेरे ख्याल में बैठने की वजह से ना मसाना इसका दब चुका है और सूजन आ रही है इसमें। माशाल्लाह। अच्छा एक गाय भी आई हुई है। लेकिन देखें मैं आपको बता रहा हूँ वो 45 किलोमीटर का टूट टूट के जानवर उतरेगा। वो बहुत बड़ा है। अच्छा ये भी बड़ा है। अभी ये इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया, ये आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा ही जगह जो है ना ये सारी वो वहाँ तक आगे तक फैलती जाएगी ये मटेरियल। लेकिन अभी तक कोई इंतजाम नहीं है ना पे यहाँ पर जानवरों को लाने का और उसकी देखभाल का, ना पानी का किसी किस्म का नहीं। आप देखिए ड्रम में पानी डाला हुआ है उन्होंने और उसमें ले जाके एक एक दो दो जानवरों को वहाँ पर वो पानी पिला रहे। तो अभी तक इंतजाम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ पानी भी जानवर यहाँ पर उतर गए तो आगे हो सकता है कि वक्त के साथ साथ। अच्छा देखें हम अपने व्यूवर्स को ये भी बताएं जो सिक्योरिटी की बात है ना, वो जो मेमार पोल्ट्रिंग वाली जो शॉप है वहाँ पे पुलिस की वैन खड़ी हुई है, उसके अलावा आपको कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आएगी। जब हम सुपर हाईवे से नॉर्दर्न से इन होते हैैं अंदर जी जी, थोड़ा सा फासले पे एक टूल प्लाजा आता है। टूल क्रॉस करने के बाद आगे कोई किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। और इसके दरमियान में तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का फासला है। इस 12 किलोमीटर के फासले के बाद जब हम यहाँ पर इन होते हैं ना, यहाँ पर चाइल्ड की तरफ जब हम जैसे टर्न करते हैं तो वहाँ पर एक चौकी है, पुलिस चौकी है, वहाँ पर एक मोबाइल खड़ी है, दो पुलिस वाले बैठे हैं। इसके अलावा किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी किस्म का अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा नज़र आ रहा कि एक मामला है जिसकी वजह से जो है हमारे जो बाहर से शहर से आने वाले लोग हैं वो अपने आप को सिक्योर महसूस। बिल्कुल ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में देखते हैं। देखें अभी स्टार्टिंग के डेज में जो लग रहा है ना कि जैसे पहले सोराबगोट मंडी में होता था, लोग अपनी फैमिलीज को लेकर आते थे एंजॉय करने, छोटे छोटे बच्चे आते थे, तो अभी तक जो मंडी का रास्ता मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बार आपको वाली वाइब्स नहीं मिलेंगी क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और हाईवे। देखिये जो मैंने यहाँ पर देखा ना आते हुए तो वो मामला तो बिल्कुल बन ही नहीं सकते इस रोड के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और लेट नाइट वाले जो हमारे शॉपिंग होते हैं ऐसा ही है, खासतौर पर मार्केट को रात को ही आते हैं मार्केट ऐसा ही है, तो उस तरह के मामला अभी नहीं है क्योंकि बड़ा अजीब सा एरिया रोड है, हाईवे जैसा रोड हैवी ट्रैफिक है यहाँ पर, बहुत सारा हैवी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक में ऐसा आना और जाना और बहुत कंजेस्टेड रोड हैवी ट्रैफिक की वजह से अगर जानवरों की गाड़ियाँ यहाँ से मूव करेंगी जानवर लेके शहर की तरफ तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा ये एरिया, बहुत ज़्यादा जैम हो जाएगा ये एरिया और ये तकरीबन आपको हाईवे तक जाने में 12 किलोमीटर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी। ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें जैसे कि पहले लास्ट सीजन में और जैसे पिछले साल होता रहा है कि सैटरडे नाइट को मंडी फुल होती थी, खरीदार भी होते थे, आम आवाम भी होती थी, पर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सीन्स और ये वाले वाइब्स देखना बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आवाम चाहती सिक्योरिटी। जब हाईवे पे रात में ना कोई लाइट्स होंगी, स्ट्रीट लाइट्स कुछ भी नहीं होगा तो आवाम किस तरीके से आएगी? सोचने वाली बात है ना, आवाम को जब तक की सिक्योरिटी ना मिले ना सोच बचिया। जाना सोच जरा जाना डायरे पर है ये, नहीं करो सोच नहीं करो इसे, तुम्हारा प्रैंक बन जाएगा। ये देखें ये लाल वाले बछड़े माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रास्ता भी आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये आपको दिखाना था थोड़ा मंडी का ओवरलुक जो अभी तक जो मंडी सजी है, ये वाला बछड़ा थोड़ा गुस्से में, जो अभी तक मंडी सजी है ना आपको वो दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से चल रही है, आपको सारा सिनेरियो बताएं क्योंकि आवाम जो आती है ना वो थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग होते हैं उनको फॉलो करके आती है।